टोंक में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में मोहसिन रशीद ने सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए पांच बत्ती पर जुलूस में शामिल भक्तों का जो है गुलाब के फूलों से स्वागत किया और लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। ये बातें उड़ाई जाती हैं कि माहौल अच्छा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द नहीं है, तो हमने इन बातों को नकारते हुए हमने कहा बिना कोशिश करें हम इस बात को टोंक के लिए नहीं फैलने देंगे। हमने मुसलमानों सारे मुसलमानों की तरफ से मेन काफले में हमारे हिंदू भाइयों को गुलाब देकर ये मैसेज पहुँचाया कि आपके त्यौहारों में हम आपके साथ हैं, हमारे त्यौहारों में आप हमारे साथ हैं। बिना कोशिश किए ये बात कहना गलत है कि टोंक में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहते। इंशाल्लाह हम टोंक का माहौल आगे कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे, ये संकल्प हमने लिया है। ऐतिहासिक रैली है, कितने 60 साल बाद क्या है कहना आपको? देखिए ऐतिहासिक रैली बिल्कुल है, क्योंकि इस किस्म से मुसलमानों ने कभी भी गुलाब देकर या ऐसे इस स्तर पे हिस्सा नहीं लिया था, जिससे हमने एक बात ये देखी कि जो हमारे हिंदू भाई थे, जो दोस्त थे हमारे, उन्होंने हमें देख के हमारे हाथ से जब गुलाब लिए तो वो हमसे गले मिले, एक मोहब्बत हमारे बीच में कायम हुई, जिसका मुझे यकीन है कि अब ये नफरत में नहीं पलटेगी और हम इसे नफरत में नहीं पलटने देंगे। संदेश यही है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम सिर्फ टोंक के वासी हैं और भारतवासी हैं। हम ईद की सेवैयां भी खाना चाहते हैं और गणपति के लड्डू भी खाना चाहते हैं। इस तरह आज ऐतिहासिक सवाल निकले आप हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, क्योंकि हमने हम सब भाइयों ने मिलके यहाँ पर बहन भाइयों ने मिलके जो एंजॉय किया, जब गणपति बाप्पा के नारे लगाए सब ने एक में एक सुर मिलाया, तो उससे जो आनंद मिला वो शायद कहीं भी नहीं मिल सकता।